हेलो एनीमे फैंस, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो एकेडमी के सीजन 2 का 6th एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में मिडोरिया तोदोरोकी से पूछता है, तुम्हें क्या बात करनी है? जिस पर तोदोरोकी कुछ नहीं बोलता और मिडोरिया बोलता है, अगर हमने जल्दी नहीं की तो कैफेटेरिया पूरी तरह से भर जाएगा। और उसे देखकर मिडोरिया अपने मन में बोलता है, ये काचान से अलग है। और तोदोरोकी बोलता है, मैं ओवर पावर्ड हो गया था इतना कि मैंने अपना वो वादा तोड़ दिया। जिस पर मिडोरिया अपने मन में बोलता है, ये कभी अपने लेफ्ट साइड को यूज़ नहीं करता, भले ही ये इसका एडवांटेज है। और तोदोरोकी बोलता है, लीदा कामिनारी जोयाराजू तोकायामी उरारा का किसी ने भी ये फील नहीं किया। लास्ट मिनट पर तुमने मुझे ओवर पावर्ड कर दिया था और बस मैंने ही ऑल माइट के फुल पावर को पास से एक्सपीरियंस किया है। और मिडोरिया पूछता है, तुम कहने क्या चाहते हो? और तोदोरोकी बोलता है, मैंने वही पावर तुम्हारे अंदर भी फील की, तुम ऑल माइट के सीक्रेट लव चाइल्ड हो। और ये सुनकर मिडोरिया हैरान रह जाता है और बोलता है, सीक्रेट लव चाइल्ड? और उसे पास्ट का समय याद आता है जब तोदोरोकी ने उससे कहा था, ऑल माइट की आंखें तुम पर हैं, है ना? और प्रेजेंट में मिडोरिया अपने मन में बोलता है, अब समझा, तो तोदोरोकी ये सोच रहा था। और तोदोरोकी पूछता है, तुम हो ना? जिस पर मिडोरिया बोलता है, ये ऐसा नहीं है, मेरा मतलब है कि अगर मैं होता भी तो भी मैं तुम्हें नहीं बताता, मुझे नहीं लगता तुम मुझ पर विश्वास करोगे। और वह आगे बोलता है, पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? जिस पर तोदोरोकी बोलता है, तुमने कहा ये ऐसा नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा कुछ कनेक्शन ऑल माइट के साथ है जिसे तुम बता नहीं सकते, है ना? और तोदोरोकी आगे बोलता है, एंडवर मेरा फादर है और तुम्हें पता ही होगा वो नंबर 2 पर अटका हुआ है। अगर तुम्हारा कुछ कनेक्शन नंबर 1 हीरो से है तो मेरे पास तुम्हें हराने के लिए और भी कई रीजंस हैं। और दूसरे सीन में हम ऑल माइट और एंडवर को देखते हैं, जहां ऑल माइट एंडवर से बोलते हैं, बड़े दिनों बाद मिले एंडवर, चलो चाय पीते हैं। और वो आगे बोलते हैं, मैं उस दिन के बाद से तुमसे नहीं मिला जब हमने 10 साल पहले प्रेस में बात की थी, मैंने तुम्हें देखा तो सोचा तुम्हें हाय बोल दूं। जिस पर एंडवर बोलता है, ऐसा क्या तुम्हारा खत्म हो गया? मुझे अकेला छोड़ दो। और वो जाते हुए बोलता है, चाय क्या मजाक है, मुझे रेस्ट रूम जाना है। और तभी ऑल माइट जंप करके उसके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं, इतने पत्थर दिल मत बनो, तुम्हारे बेटे यंग सातो ने तो अपने आधे पावर के साथ कमाल ही कर दिया। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि उसे अच्छे से सिखाया गया है? जिस पर एंडवर बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? और ऑल माइट बोलते हैं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन को रेस कैसे करते हैं। जिस पर एंडवर बोलता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा? तुम हमेशा की तरह क्लूलेस लग रहे हो और मुझे इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा है। और ये बोलकर वो जाने लगता है। और ऑल माइट बोलते हैं, मुझे माफ़ करना। जिस पर एंडवर बोलता है, इतना याद रखना, मैं उसे ऐसा हीरो बनाऊंगा जो तुम्हें भी पीछे छोड़ देगा और इसलिए मैंने उसे बनाया। और ऑल माइट पूछते हैं, तुम बोल क्या रहे हो? और एंडवर बोलता है, वो अभी अपने रेबेलियस स्टेट में है, मगर वो तुम्हें ज़रूर पीछे छोड़ेगा, मैं इसका ध्यान रखूंगा। और ये बोलकर वो जाने लगता है। और यहाँ तोदोरोकी मिडोरिया को बताता है, मेरे ओल्ड मैन का इस दुनिया में उठने की काफ़ी इच्छा है एक हीरो के तौर पर। उसने अपना नाम बनाया अपने क्रशिंग फोर्स से और इसलिए लिविंग लेजेंड ऑल माइट उसके लिए सबसे बड़े दुश्मन बन गए। जब वो ऑल माइट को पीछे नहीं छोड़ पाया तो उसने दूसरा प्लान बनाया। और ये सुनकर मिडोरिया बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो तोदोरोकी? तुम मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर तोदोरोकी बोलता है, तुमने कॉर्क मैरिज के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? वो चीज़ एक प्रॉब्लम बन गई जब सेकंड और थर्ड जनरेशन के सुपर पावर अपीयर हुए। सही पर्सन को चुनकर अपने कॉर्क को बच्चों को पास करना, इसके लिए लोगों की ज़बरदस्ती शादी कराई गई पुराने तरीके से, ज़्यादा नैतिकता के बारे में न सोचते हुए। उस आदमी के पास पैसा और ताकत दोनों है, वो मेरे मदर के रिलेटिव से जीत गया और उसने मेरे मदर का कॉर्क ले लिया अपने सपने को पूरा करने के लिए, मुझे एक हीरो के तौर पर बड़ा किया जो ऑल माइट को भी पीछे छोड़ देगा। और वो गुस्से में आगे बोलता है, ये काफ़ी अनोइंग है, मैं उसका कोई टूल नहीं बनना चाहता। मुझे जितना याद है मेरी मदर हमेशा रोती रहती थी, तुम्हारा लेफ्ट साइड भद्दा है, मेरी मदर ने मुझसे ये तब कहा था जब वो मुझ पर उबलता हुआ पानी डाल रही थी। और ये सुनकर मिडोरिया हैरान रह जाता है। और तोदोरोकी आगे बोलता है, मैंने तुम्हारे साथ फाइट इसलिए चुनी क्योंकि मैं उसे दिखाना चाहता था कि मैं क्या कर सकता हूँ बिना मेरे ओल्ड मैन का कॉर्क यूज़ किए। नहीं, मैंने उसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया उसके बिना यूज़ के फर्स्ट प्लेस पर आकर। और हम देखते हैं कि उन दोनों की बातें कात्सुकी भी सुन रहा होता है और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है, जो शब्द उसने मुझसे कहे वो इतने अलग थे कि मैं डर गया। मैंने सोचा कि ये हमारे लिए कैसे अलग हो सकता है जबकि हम दोनों एक ही चीज़ के लिए एम कर रहे हैं। और वहाँ से जाते हुए तोदोरोकी बोलता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे ना बताओ कि तुम ऑल माइट से कैसे कनेक्टेड हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम ऑल माइट के लिए क्या हो, मैं तुम्हारे ऊपर जाऊँगा बस अपने राइट साइड के सहारे, तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए मुझे माफ़ करना। और मिडोरिया मन में बोलता है, अगर ये कोई कॉमिक होता तो ये मेन कैरेक्टर होता क्योंकि इसकी बैक स्टोरी है ही ऐसी, उसके कंपेयर में मैं क्या ही कह सकता हूँ। और मिडोरिया तोदोरोकी को रोकते हुए बोलता है, मुझे हमेशा से ही लोगों ने सपोर्ट किया। पहले भी ऐसे ही हुआ था
मैं यहाँ हूँ क्योंकि उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और वो आगे बोलता है, लोगों को एक बड़े फेयरलेस माइल के साथ बचाना, ग्रेटेस्ट हीरो ऑल माइट, मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे इतना स्ट्रांग बनना होगा कि मैं नंबर वन पर पहुँच जाऊँ। मेरी मोटिवेशन तुम्हारे कंपेयर में मामूली है, मगर मैं भी नहीं हार सकता। मुझे उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरना है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। पहले जो तुमने वॉर डिक्लेयर किया था, मैं तुम्हें वो वापस देता हूँ। मैं भी तुम्हें हराऊंगा। और ये सुनकर तोदोरोकी बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। और दूसरे सीन में प्रेजेंट माइक बोलते हैं, अब जब लंच टाइम खत्म हो गया है तो ये समय है हमारे लास्ट गेम को रिवील करने का। मगर उससे पहले उन बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है जो फाइनल तक नहीं पहुँच पाए। ये बस एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, इसलिए हमने एक्साइटिंग गेम तैयार किए जहाँ हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। हम अमेरिका से चेयर लीडर्स को भी लाए हैं चीज़ों को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। तभी प्रेजेंट माइक और आइजावा देखते हैं कि क्लास बी की सभी फीमेल स्टूडेंट्स ने चेयर लीडर्स के कपड़े पहन रखे होते हैं। और ये देखकर प्रेजेंट माइक बोलते हैं, क्या हुआ क्लास ए, ये किस तरह का फैन सर्विस है? और योया राजू गुस्से में बोलती है, मिनीटो कामिनारी, तुमने हमें ट्रिक किया ना। और हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ कामिनारी बोल रहा होता है, योया राजू जीरो। और योया राजू पूछती है, तुम्हें कुछ चाहिए? और मिनीटो बोलता है, तुम ये पहले से ही जानती होगी क्योंकि तुम क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो। मगर वो कह रहे हैं कि सभी को वो कपड़े पहनने होंगे बैटल में चेयर करने के लिए। और ये सुनकर जीरो चौक जाती है। और योया राजू बोलती है, मैंने तो किसी ऐसे इवेंट के बारे में नहीं सुना। जिस पर मिनीटो बोलता है, तुम्हें हम पर विश्वास करना ज़रूरी नहीं है, मगर हमने ये मिस्टर आइजावा से सुना है। मुझे लगा तुम भूल गई हो, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। और प्रेजेंट में योया राजू बोलती है, हमेशा मैं ही क्यों मिनीटो के स्कीम में फंस जाती हूँ, मैंने आउटफिट को बनाने के लिए अपना क्रिएशन तक का यूज़ कर डाला। और जीरो बोलती है, वो दोनों बेवकूफ़ हैं। और हागाकुरे बोलती है, वैसे फाइनल बैटल में अभी टाइम है और अगर चीज़ें खराब हो गई तो ये काफ़ी बुरा होगा। ये ठीक है, चलो ये करते हैं। और आसुई बोलती है, तोरू तुम्हें ये पसंद है ना? और प्रेजेंट माइक बोलते हैं, तो चलो गेम चालू करते हैं। जब ये खत्म होगा, चार टीम के 16 खिलाड़ी पहुंच चुके होंगे जहां वो 101 फाइट करेंगे। और किरिशिमा बोलता है, 101 फाइट, मैं स्टेज पर जाऊंगा जिसे मैं हर साल टीवी पर देखता हूं। और आशीरो पूछती है, ये टूर्नामेंट पिछले साल भी हुआ था ना? जिस पर सीरो बोलता है, सभी गेम अलग होते हैं मगर ये 101 कॉम्पिटिशन हर साल होता है। पिछली बार ये स्पोर्ट्स चैनबारा मैच था। और मिडनाइट बोलती है, एक बार हम लॉट से डिसाइड कर ले कि किसके बीच फाइट होगी। तुम मेंबर चुन सकते हो कि इसमें तुम्हें पार्टिसिपेट करना है या नहीं। मुझे यकीन है कि तुम में से कुछ रेस्ट या अपने स्ट्रेंथ को बचाना चाहते होगे। अब जो पहली टीम है, तभी वो जीरो हाथ खड़ा करता है और बोलता है, मैं ये मैच नहीं खेल सकता। और ये सुनकर तेनिया बोलता है, ये एक रेयर चांस है प्रोस को तुम्हें देखने का। जिस पर ओजीरो बोलता है, मुझे कैविलरी बैटल का कुछ भी याद नहीं था एंड तक, मुझे लगता है ये उसका क्वार्क था। और मिडोरिया शीजो की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे याद है ओजीरो उसके साथ था। और ओजीरो बोलता है, मुझे पता है ये एक बड़ा चांस है और इसे बर्बाद करना बेवकूफ़ी है। सभी अपना सब कुछ लगा रहे हैं मगर मैं यहाँ सबके साथ नहीं आ सकता बिना ये जाने कि क्या हुआ था। जिस पर हागाकुरे बोलती है, तुम कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रहे हो, तुम्हें इस बात को देखना होता है कि तुम फाइनल तक पहुँच जाओ। और जीरो बोलती है, मगर अगर ये तुम कर रहे हो तो कुछ नहीं किया जा सकता। और ओजीरो बोलता है, मैं अपने प्राइड की बात कर रहा हूँ और तुम सबने चेयर लीडर्स के कपड़े क्यों पहने हैं। तभी एक और स्टूडेंट बोलता है, मैं क्लास बी से नीरेनाकी सोदा हूँ, मैं भी इसी रीज़न से मैच से हटना चाहता हूँ। और वो मिडनाइट से बोलता है, आपको नहीं लगता ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल के खिलाफ होगा उनके लिए जो फाइनल में ऐसे ही पहुँच गए हैं। और ये सुनकर किरिशिमा रोते हुए बोलता है, आखिर इन्हें हुआ क्या है, ये कितने मैनली हैं। और प्रेजेंट माइक बोलते हैं, इवेंट ने अनयूजुअल मोड ले लिया है। और आइजावा बोलते हैं, हमें देखना होगा कि चीफ एम्पायर मिडनाइट क्या करती है। और मिडनाइट बोलती है, तुम जवान बच्चों का इस तरह बोलना मुझे अच्छा लगा। सोदा ओजीरो, मैं तुम्हारा विड्रॉल एक्सेप्ट करती हूँ। और आयोमा जीरो से बोलता है, मैं ये करूँगा ठीक है। और मिडनाइट आगे बोलती है, इस केस में हमें दो लोगों का मूव करना होगा फिफ्थ प्लेस के कैवेलरी बैटल से। और कार्डो पूछती है, अगर ऐसा है तो अब क्या होगा? हमारे अलावा जो कैवेलरी बैटल में कुछ नहीं कर पाए ये उन्हें होना चाहिए। जो टॉप के लिए एम कर रही थी वो टीम है टिट्सू टिट्सू। और ये सुनकर टिट्सू टिट्सू बोलता है, मगर। जिस पर कैंडो बोलती है, ये कोई सिंपैथी नहीं है, ये सच है। और ये सुनकर टिट्सू टिट्सू रोते हुए बोलता है, तुम लोग। और मिडनाइट बोलती है, तो अब टिट्सू टिट्सू और शीजो का ही फाइट करेंगे। और मैच के लिए टीम बनती है टिट्सू टिट्सू वर्सेस कामिनारी, तोकोयामी वर्सेस योया राजू, आशीटो वर्सेस आयोमा। पहले मैच का पहला राउंड, ऐसा क्या अगर तोदोरोकी और मैं जीत जाते हैं तो हम अगले राउंड में लड़ेंगे, मगर उससे पहले जितना मुझे याद है शिंसो। तभी शिंसो मिडोरिया के पास आकर बोलता है, क्या तुम हो इज़ुको मिडोरिया? और वो शिंसो को देखकर बोलता है, ये तो वही बच्चा है जनरल स्टडीज से। और शिंसो बोलता है, पहले मैच के लिए तैयार हो। और मिडोरिया कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी ओजीरो उसका मुंह बंद कर देता है और शिंसो वहां से चला जाता है। और मिडोरिया पूछता है, क्या हुआ ओजीरो? जिस पर ओजीरो बोलता है, उसका आंसर मत देना। और तोदोरोकी मैच के प्लान को देखते हुए बोलता है, जितना मैंने सोचा था ये उसे काफ़ी जल्दी हो गया। आओ मिडोरिया,
मैं तुम्हें अपने एक हाथ से ही हरा दूंगा। और कात्सुकी मैच प्लान को देखकर बोलता है, क्या उरारा का? और ये सुनकर उरारा का डर जाती है और हात्सुमी तेनिया के पास आते हुए बोलती है, तुम लीडर हो है ना? जिस पर तेनिया बोलता है हाँ। और प्रेजेंट माइक बोलते हैं, चलो टूर्नामेंट को साइड रखते हैं और रिक्रिएशन के साथ मज़े करते हैं। पहला गेम स्कैवेंजर हंट। और सभी कार्ड्स उठाने लगते हैं और सीरो को बैग का कार्ड मिलता है। और सीरो ऑडियंस से पूछता है, क्या कोई मुझे बैग देगा? और सभी लोगों को अलग अलग कार्ड मिलते हैं और मिनिटो को मिलता है फैट कैट। और ये देखकर वो हैरानी से बोलता है, ये इम्पॉसिबल है। और मुनामो उन सभी को देखकर बोलता है, मुझे विश्वास नहीं होता वो रिक्रिएशन एक्टिविटी को इतना सीरियसली ले रहे हैं। तभी वहाँ केंडो आती है और बोलती है, मोनोमा तुम अनमोटिवेटेड हो तो मेरे साथ चलो। और मोनोमा पूछता है, क्यों? जिस पर केंडो उसे कार्ड दिखाती है जिसमें लिखा होता है पवेस पर्सन। जिस पर मोनोमा बोलता है, केंडो तुम्हें नहीं लगता तुम गलत आदमी को उठा रही हो? जिस पर केंडो बोलती है, ये ठीक है तुम सही हो। और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है, हालांकि हमें मजे करने के लिए बोला गया था मगर जो टूर्नामेंट में थे वो रिलैक्स नहीं कर सकते थे। कुछ अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे थे अपने अपोनेंट्स के लिए, कुछ शांत होने की कोशिश कर रहे थे, कुछ फाइट के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, कुछ अपने सेंसेस को मजबूत कर रहे थे और कुछ फोकस करने की कोशिश कर रहे थे। और हम यहाँ सीमेंटोस को देखते हैं जो फाइटिंग फील्ड को बनाते हुए बोल रहे होते हैं, लगभग हो गया है। और प्रेजेंट माइक बोलते हैं, थैंक्स सीमेंटोस। और आगे बोलते हैं, हे गाइस आर यू रेडी? और जनता चिल्लाने लगती है और प्रेजेंट माइक बोलते हैं, बहुत कुछ हुआ मगर अब हमें इस पर आना है, एक सीरियस बैटल। तुम खुद पर डिपेंड कर सकते हो, भले ही तुम हीरो हो या ना हो तुम्हें ऐसे कई सिचुएशन फेस करने पड़ेंगे। हार्ट, स्किल, बॉडी, विजडम और नॉलेज सबका यूज़ करो। और तभी ऑल माइट वहाँ आते हैं और मिडोरिया से बोलते हैं, माफ़ करना मैं लेट हो गया मगर तुमने वन फॉर ऑल कंट्रोल कर लिया है ना? जिस पर मिडोरिया बोलता है, ऑल माइट नहीं मैं अभी भी वरीड हूँ, मैंने अपने दिमाग में माइक्रोवेव को देखा और ये भी कैसे मैं विलन को हिट करूँ, मगर फिर भी मैं अनकॉन्सेंट्रेटेड फील कर रहा हूँ, जैसे अगर मैंने फोकस नहीं किया तो ये बिखर जाएगा। और उसके अलावा जैसे आपने देखा मेरी करंट बॉडी के साथ अगर मैं सक्सीड हो भी जाऊं तो ये बस थोड़ी सी ही पावर होगी। जिस पर ऑलमाइट बोलते हैं, हाँ अगर हम 0 से 100% के बारे में बात करें तुम्हारी बॉडी जो रिलीज़ कर रही है वो 5% है। और ये सुनकर मिडोरिया हैरानी से बोलता है, 5%? मुझे लगा मैं अपने फ्रेंड्स और लक से ब्लेस्ड हूँ। और ये सुनते ही ऑलमाइट उसे मारते हुए बोलते हैं, तुम्हें कहना चाहिए मैं अपना बेस्ट दूंगा प्रिंस ऑफ नॉनसेंस। क्या हीरो के इमेज में तुम काफ़ी फिल्मी होने की कोशिश कर रहे हो? इस समय जब तुम डरे या घबराए हुए हो तो तुम्हें इसे एक बड़े स्माइल से डील करना चाहिए। तुम काफ़ी आगे आ गए हो, अगर ये लक है तो भी ठीक है, प्राउड के साथ खड़े रहो, ये मत भूलो मुझे तुमसे कई सारी उम्मीदें हैं। और प्रेजेंट माइक बोलते हैं, ऑडियंस जिस फाइनल मैच का आपको इंतज़ार था वो चालू हो चुका है। और पहला मैच हालांकि इसने अच्छा किया मगर इसके फेस को क्या हुआ? हीरो कोर्स से इज़ुकु मिडोरिया वर्सेस, माफ़ करना इसने अभी तक कुछ नहीं किया, जनरल स्टडीज से हितिशो शिंसो। और वो आगे बोलते हैं, रूल्स आसान हैं, अपने ओपोनेंट को बाउंड्री से बाहर ले जाओ या उसे पटक दो, तुम अपने ओपोनेंट से गिव अप बुलवा कर भी जीत सकते हो, इंजरीज को होने दो क्योंकि रिकवरी गर्ल खड़ी है, और मोरल और एथिक्स को साइड में रख दो। और सीमेंटोस बोलते हैं, अगर चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ गई तो मैं मैच को रोक दूंगा। और शिंसो मिडोरिया से बोलता है, ये फाइट तुम्हारे स्पिरिट के स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए किया जा रहा है, अगर तुम जानते हो कि तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो तो तुम्हें अपीयरेंस की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो बंदर अपने प्राइड की बात कर रहा था मगर तुम्हें नहीं लगता कि एक चांस को ऐसे ही जाने देना बेवकूफ़ी है? और ये सुनकर मिडोरिया गुस्से में उसके पास बढ़ते हुए बोलता है, तुमने क्या कहा? और जैसे ही वो उसकी बात का रिप्लाई करता है शिंसो हंसने लगता है और तभी मिडोरिया भागते भागते रुक जाता है और शिंसो बोलता है, मैं जीत गया। और ये देखकर ओजीरो बोलता है, नहीं मैंने बताया था ना। और प्रेजेंट माइक ये देखकर बोलते हैं, अरे नहीं ये क्या हुआ? और हम मिडोरिया के फेस पर ब्लैंक एक्सप्रेशन देखते हैं और प्रेजेंट माइक बोलते हैं, मैच अभी स्टार्ट ही हुआ है और मिडोरिया पूरी तरह से जम गया है। और यही खत्म होता है एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका इस वीडियो या इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन का सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।